हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करी थी। हमने पढ़ा था कि 20th सेंचुरी के शुरू होते होते कुछ फिनोमेनास ऐसे थे जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की गई। और उन फिनोमेनास में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। हम लोगों को मालूम है हर टेम्परेचर पर बॉडी जो है एमिट करती है रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी जो एक आइडियल कंसेप्ट है, जिस पे ऐसी ब्लैक बॉडी जिस पे सारे रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो एमिट कर रही है। सो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं उनका जो ग्राफ बनता है उसमें एनर्जी पहले विद वेवलेंथ इंक्रीज करती है, एक पीक तक पहुंचती है एंड देन इट डिक्रीजेस। तो क्लासिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एक्सप्लेन करने के लिए वीन ने लॉ दिया, बट ये वीन्स लॉ लो वेवलेंथ रीजन के लिए सही था, हाई वेवलेंथ पे या लॉन्ग वेवलेंथ पे फेल हो रहा था। रेले जीन्स ने एक और लॉ दिया जो हाई वेवलेंथ रीजन के लिए ठीक था बट लो वेवलेंथ रीजन्स पे फेल हो रहा था। सो जब तक क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही थी, जब तक इन ये दो लॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे, इन दो लॉज को हम देखते हैं। स्टार्ट करेंगे वीन्स रेडिएशन लॉ से। तो वीन ने ऊष्मा गतिकी के आधार पर ये ज्ञात किया कि किसी दिए गए ताप पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा होती है। सो बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स वीन एस्टैब्लिश्ड दैट एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज गिवन बाय ई लैम्डा। एंड व्हाट इज ई लैम्डा? ई लैम्डा डी लैम्डा इज ए अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा, वेयर एफ लैम्डा टी इज़ अ फंक्शन ऑफ विच कैन लैम्डा टी विच कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज ई रेज टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी ऑन कंपेयरिंग द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी विद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीन ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हुए थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर करते हुए उसने जो ग्राफ दिया ई लैम्डा डी लैम्डा जो हमने अभी लास्ट उस पर देखा a अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 5 f लैम्डा t d लैम्डा, वहाँ f लैम्डा t क्या है? एक फलन है। और वो उसने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करते हुए फॉर्म दिया e रेज टू पावर माइनस a अपॉन लैम्डा t। यहाँ f लैम्डा t फलन है जिसका मान वीन ने कृष्णिका के वर्णक्रम में ऊर्जा के वितरण वक्र तथा मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण वक्र की परस्पर तुलना कर प्राप्त किया। दोनों ग्राफ सिमिलर थे सो उसने उसी फॉर्म में फंक्शन को लिया e रेज टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी। सो वीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या वीन्स रेडिएशन लॉ इज गिवन एज e लैम्डा डी लैम्डा इज a लैम्डा रेज टू पावर माइनस 5 e रेज टू पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर लो वेवलेंथ रीजन। ये नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास में ही सत्य पाया जाता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य मीनिंग लार्ज वेवलेंथ परास में विकिरणों की ऊर्जा वितरण की व्याख्या नहीं कर पाता। सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर स्मॉल वेवलेंथ एंड दिस लॉ फेल्स कम्प्लीटली फॉर लार्ज वेवलेंथ रीजन्स। नेक्स्ट वी कम टू द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले वे जीन्स का विकिरण नियम। रेले वे जीन्स ने कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। सो रेले एंड जीन्स पोस्टुलेटेड स्टेशनरी वेव्स इन अ ब्लैक बॉडी एंड बेस्ड ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एस्टैब्लिश्ड द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो रेले जीन्स ने माना कि ब्लैक बॉडी के अंदर स्टेशनरी वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो स्टेशनरी वेव्स हैं तो उनकी इक्वेशन हम लेंगे y is equal to a sin k dot r cos omega t, k propagation constant, इसकी वैल्यू 2 pi by lambda और r position vector। तो इसको अगर हम component form में लिखेंगे तो
तो क्या आगा, ए साइन के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। के एक्स क्या है, एन एक्स एक्स बाय ए, के वाई एन वाई पाई ए पाई बाय ए, के जेड एन जेड पाई बाय ए। एन एक्स एन वाई एन जेड नंबर है, ऑब्वियसली इनकी हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेने से के नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। या अपन अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहें तो एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एन एक्स एन वाई एन जेड के एक सेट द्वारा एक कंपन विधा प्रदर्शित होती है, दैट इज वन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एन एक्स एन वाई एन जेड। यानी एन एक्स एन वाई एन जेड कैन हैव एनी वैल्यू, बट वन सेट ऑफ दिस वैल्यू से एन एक्स वन है, एन वाई वन है, एन जेड वन है, तो एक पर्टिकुलर सेट हमें रिप्रेजेंट करता है वन मोड ऑफ वाइब्रेशन। बट रिमेंबर एन एक्स एन वाई एन जेड पॉजिटिव होने चाहिए। सो एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू वन टू थ्री आदि धनात्मक मानों के लिए आवृत्ति जीरो से न्यू तक की संपूर्ण विधाएं, एन इज इक्वल टू टू ए बाय न्यू, टू ए न्यू बाय सी, त्रिज्या के गोले के आठवें भाग में निहित बिंदुओं की संख्या के बराबर होगी, बिकॉज एन एक्स एन वाई एन जेड पॉजिटिव चाहिए। तो हम अगर टू ए न्यू बाय सी का एक स्फीयर, रेडियस का स्फीयर मान रहे हैं, तो उसके सिर्फ वन एट्थ पोर्शन में ये पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, बिकॉज सिर्फ वन एट्थ पोर्शन में एन एक्स एन वाई और एन जेड तीनों पॉजिटिव होंगे। सो फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एन एक्स एन वाई एन जेड, ऑल मोड्स फ्रॉम फ्रीक्वेंसी जीरो टू न्यू वुड लाई ऑन द पॉइंट्स इन वन एट्थ पोर्शन ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस एन इज इक्वल टू टू ए न्यू बाय सी। सो कितना होगा, वन बाई एट ऑफ फोर बाई थ्री पाए रेडियस क्यूब, तो टू ए न्यू बाय सी का क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो फोर पाए बाय थ्री ए क्यूब न्यू क्यूब बाय सी। अतः न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या, दैट इज नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू वुड बी इक्वल टू फोर पाए न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब डी न्यू। नाउ सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन हैव टू स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन, चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं, इसलिए प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या क्या होगी, ट्वाइस ऑफ दिस। सो एन न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एट पाए न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। इसको हम वेवलेंथ टर्म्स में भी ले सकते हैं। इसी प्रकार लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या एन लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू एट पाए अपॉन लैम्डा रेज टू पावर फोर डी लैम्डा। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा समविभाजन के नियम से प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा के टी होती है, इसलिए लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंग दैर्ध्य परास में ऊर्जा घनत्व, बिकॉज ये तो नंबर हो गया और इसको के टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू लैम्डा डी लैम्डा इज एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू के टी। इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज टू पावर 4 डी लैम्डा। दिस इज द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। रेले जीन्स द्वारा प्रतिपादित ये नियम चिरसम्मत भौतिकी के नियमों पर आधारित है और कृष्णिका विकिरण वक्रों के दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले भाग के लिए ही सही है। सो दिस रेडिएशन रेले जीन्स रेडिएशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंथ रीजन्स। रेले जीन्स नियम के अनुसार यू न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, तो इसके कारण क्या हो रहा है, ऊर्जा घनत्व बिना किसी सीमा के न्यू स्क्वायर के समानुपाती बढ़ता रहता है, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। सो एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी यू न्यू वुड इंक्रीज। यदि न्यू इज इक्वल टू जीरो से न्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक की कुल ऊर्जा घनत्व हम निकालना चाहें तो क्या होगा, यू इज जीरो टू इन्फिनिटी यू न्यू ड्यू न्यू। अगर यू इन्फिनिटी तक जा रहा है
तो ऑब्वियसली यू का मान भी अनंत आएगा, जो असंभव है। सो इस वितरण के नियम अनुसार उच्च न्यू, उच्च फ्रीक्वेंसी मीन्स अल्ट्रावायलेट रीजन या पराबैंगनी क्षेत्र। तो पराबैंगनी क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक दृष्टि से असंभव है। इस घटना को पराबैंगनी विपद या अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कहते हैं। सो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ इज व्हाट? दैट द वैल्यू ऑफ यू इंक्रीजेस इनफाइनाइटली एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी है कि वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ फेल होते हैं इन सर्टन रीजन्स। सो वीन का विकिरण नियम विकिरण के उत्सर्जन और अवशोषण की कुछ स्वैच्छिक अवधारणाओं पर आधारित है, जैसे कि कोटर में विकिरण की तीव्रता कोटर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई, तथा दोलकों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति दोलकों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती मानी गई। तो इन पर आधारित वीन का विकिरण नियम ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा रेस्ट टू पावर -5 ई रेस्ट टू पावर -a अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा केवल लघु तरंग दैर्ध्य के विकिरण के लिए ही कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक ग्राफ से मेल खाता है। सो वीन्स रेडिएशन लॉ इज बेस्ड ऑन आर्बिट्री आइडियाज ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, विच इंक्लूडेड द फैक्ट दैट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन द कैविटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द कैविटी, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। नाउ वीन्स रेडिएशन लॉ मैचेस द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ ओनली फॉर लो वेवलेंथ रीजन्स, फॉर हाई वेवलेंथ रीजन्स दिस लॉ फेल्स। नाउ रेले जीन्स लॉ इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द कैविटी। एंड रेले जीन्स कर्व मैचेज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन ग्राफ इन द लॉन्ग वेवलेंथ रीजन। सो रेले जीन्स का विकिरण नियम चिरसम्मत भौतिकी के दो सिद्धांतों पर आधारित है, पहला ऊर्जा के समविभाजन का सिद्धांत और दूसरा कोटर में अप्रगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत। ये नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्य के विकिरणों के लिए कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक मानों से अच्छा मेल खाता है। सो रेले जीन्स के जो विकिरण नियम है यू न्यू डी न्यू इज 8π(ν²KT/c³dν). इसके अनुसार स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती रूप से सतत बढ़ना चाहिए, जबकि कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्र के अनुसार यू न्यू एक सीमा तक बढ़ता है और फिर उच्च आवृत्ति पर उसकी वैल्यू पुनः घटने लगती है। इसके अलावा इस नियम के अनुसार किसी भी ताप पर न्यू इज इक्वल टू 0 से न्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक की विकिरणों का कुल ऊर्जा घनत्व यू कितना हुआ? 0 से इन्फिनिटी यू न्यू डी न्यू, इसका मान अनंत आता है, जो एक असंभव भौतिक तथ्य है। सो अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वेयर एंड इट शुड कंटिन्यूसली इंक्रीज एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, बट प्रैक्टिकल ग्राफ शोज द इंक्रीज ओनली अप टू अ पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन इट डिक्रीजेस। हमने पहले ग्राफ में देखा पहले बढ़ता है एंड देन कम हो जाता है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशंस बिटवीन न्यू इज इक्वल टू 0 टू न्यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज गिवन एज यू इज 0 टू इन्फिनिटी यू न्यू डी न्यू एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, बिकॉज एज न्यू मूव्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी यू की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। सो वी सी दैट क्लासिकली वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमने दो लॉज दिए, वो अलग अलग रीजन में काम करते हैं, एक ही लॉ पूरे रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस दिया और उसने कहा कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है या रेडिएशन है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ अ फिक्स्ड क्वांटा, और ये क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत थी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लैंक्स हाइपोथेसिस और प्लैंक्स लॉ देखेंगे। व्हाट्स मोर कि प्लैंक का जो लॉ है इसमें जब हम कंडीशन डालते हैं लैम्डा इज लो
लैम्डा का मान बहुत कम है तो उससे हमें वीन्स लॉ मिल जाता है, और जब हम ये कंडीशन डालते हैं कि लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उससे हमें रेले जीन्स लॉ मिल जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि प्लैंक का लॉ क्या है और वो कैसे क्वांटम मैकेनिक्स के हेल्प से एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड किन कंडीशंस में वो क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच करता है। थैंक यू सो मच।